अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम दरिया सतलुज पर जा रहे हैं, जहाँ इंडिया ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है और दरिया के जो जितने भी गांव थे वहाँ सैलाब आ गया है और गांव और जो बस्तियाँ थी वो सारी सैलाब में आई हुई हैं। आपको वहाँ के मनाजर होंगे, जो भी मनाजर उसको शेयर करेंगे। और ये देखें आप सैलाब का, जहाँ तक अभी दरिया दूर है काफ़ी और सैलाब यहाँ तक आ पहुँचा है। और ये बस्तियाँ देखें आप, ये सारे जितनी भी फसलें थी वो सारी डूबी हुई हैं और सैलाब की वजह से। और ये देखें, ये भैंसें भी पानी में तैर रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। और यहाँ की जितनी भी इर्द गिर्द की बस्तियाँ थी, गांव थे, वो सब पानी में घिरे हुए हैं। और लोग ये देखें आप, दूर जहाँ भी नज़र जाती है पानी ही पानी है क्योंकि दरिया में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। ये देखें, लोगों के घर भी पानी की जद में आए हुए हैं। ये देखें, ये लोग खड़े हैं काफ़ी और ये जानवर पानी में तैर रहे हैं। और इस तरफ देखें कि लोगों ने अपना सामान जो कि पानी में डूबे गए, मकान डूब गए थे, वो अपना सामान लेकर रोड पे आ गए हैं। और यहाँ आप देखें, ये सब ये सामने वो नज़र जो आपको आ रहा है वो वहाँ भी ये देखें, मकान गिरे हुए पानी की जद में आए हुए हैं क्योंकि सैलाब बहुत ज़्यादा आ गया है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। और ये हम आपको दरिया सतलुज अभी काफ़ी दूर है, ये देखें, ये आपको दिखा रहे हैं। देखें ये मनाजर, देखिए आप ये कितने अफसोस ज़्यादा मनाजर है। और लोगों के घर डूब गए पानी में, ये देखें। और ये दूर तक जहाँ भी नज़र जाती है पानी ही पानी है। ये देखिए, लोग अपने जानवर लेकर बाहर आ रहे हैं क्योंकि वो सब इनके लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं और अपने जानवर अपना सामान लेकर बाहर आ रहे हैं। तो इस तरफ देखिए, दोनों तरफ पानी ही पानी है। और ये दरिया को रास्ता जा रहा सीधा, अभी दरिया काफ़ी दूर है। ये देखिए, दरिया के ऊपर अब पहुँच चुके हैं। और ये पुल के ऊपर जो लोगों ने दुकानें भी बनाई हुई हैं, जो लोग वहाँ देखने आते हैं। और ये देखें, ये बंद जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये बंद वहाँ से टूट गया और इस तरफ पानी आ गया है इस तरफ। ये देखें, और ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये मनाजर दिखा रहे हैं दरिया सतलुज के। ये सामने पुल आपको नज़र आ रहा है, ये देखें लोग खड़े ऊपर देख रहे हैं सैलाब को, वीडियो बना रहे हैं। और साथ में ये लोग देखें, ये पानी का बांध रहे हैं ताकि पानी ज़्यादा ना नुकसान करे। अपनी मदद आपके तहत लोग पानी बोरियों में मिट्टी डालकर यहाँ फेंक रहे हैं। ये देखें पानी की रफ्तार, देखें कितनी तेज़ है। और ये काफ़ी भर चुका है, ऊपर तक पानी आ गया। और ये देखें इस तरफ, देखें ये लोग मिट्टी बार रहे हैं बोरियों में। और ये बंद, ये बंद बना रहे हैं ताकि ये बंद आगे से काफ़ी टूट चुका है और ये थोड़ा सा बंद रह गया। लेकिन लोग देखें, ये बोरियों में मिट्टी डालकर बंद मजबूत कर रहे हैं ताकि पानी ज़्यादा नुकसान ना करे। कोशिश कर रहे हैं ताकि कामयाब हों, पर पानी की रफ्तार बहुत तेज़ है। ये बंद वो सामने बंद टूटा हुआ और इस तरफ पानी भी आ गया है। और यहाँ लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं सैलाब के मनाजर देख रहे हैं। और ये पत्थर भी देखें, ये भी पानी को रोकने के लिए पत्थर डाले गए हैं। और इस तरफ देखें, ये लोग अपनी वीडियो भी बना रहे हैं साथ साथ, लोग जो भी यहाँ देखने को आ रहे हैं। और ये देखें कितना पानी है, ये मिट्टी भर रहे हैं बोरियों में और वहाँ इसका बंद बनाएंगे ताकि ज़्यादा मजबूत हो। इस वक्त हम पुल के ऊपर खड़े हैं और ऊपर से आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं। ये देखें, जहाँ भी नज़र जाती है पानी पानी हो गया, क्योंकि अभी बता रहे हैं कि रात को और भी ज़्यादा इंडिया ने पानी छोड़ना है और लोग उसका इंतज़ाम कर रहे हैं। ये देखिए, काफ़ी लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और इस तरफ देखें, ये पानी की रफ्तार देखें कितनी तेज़ है, ये देखें आप, ये देखें दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है
और बहुत ज़्यादा नुकसान किया है यहाँ के बस्तियों का, जो देहातों में देहात थे उनका बहुत नुकसान हो गया। करोड़ों की फसलें थी, चावल की खास तौर फसल थी, वो सारी तबाह हो गई। मलिया मेट कर दिया सलाब ने और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसकी वजह से। ये देखिए लोग वीडियो भी साथ साथ बना रहे हैं और देख भी रहे हैं, सलाब की तबाह कर रहे, देख रहे हैं। ये देखिए दूर दूर तक जिस तरफ भी नज़र जाती है पानी पानी है। और देखिए ये पानी, ये सामने बस्ती एक आ गई है उसके साथ ही पानी आ गया। यहाँ भी लोग इंतजाम कर रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ पानी को रोका जाए। वो सामने देखें रेस्क्यू टीमें लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं कश्तियों के ज़रिए, क्योंकि वहाँ नहीं कोई रास्ता नहीं है जाने का, ज़मीनी रास्ता कट चुका है। और उनका सामान और लोगों को किनारे पर लेके आ रहे हैं वो सामने। वो देखो सामने कश्ती आ रही है और यही देखे सामने, वो सामने नज़र आ रहा है कि लोगों को घर पानी में डूब चुके हैं और लोग इशारों से कर रहे हैं। ये देखे ट्रैक्टर, देखो पानी बिल्कुल बस्ती के करीब आ चुका है। लोग अपना इंतजाम खुद कर रहे हैं, जो बंद बना रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ हमारे घर बच सके, कोशिश कर रहे हैं। देखें ये सामने और ये देखे बंद, ये टूट रहा है साथ साथ, और साथ में वो कश्ती भी आ रही है। और सामने देखें लोगों को लेकर, उनका सामान लेकर किनारे की तरफ आ रही है। तो वह रास्ता यही है, यही रास्ता है यहाँ आने का। और ये देखें रेस्क्यू की टीमें और पाक आर्मी लोगों की मदद कर रही है। और ये देखें ये किनारे पे लेके आ गए हैं। ये लोगों का सामान देखें, फ्रिज है, पेटी है और संदूक, चारपाइयाँ। और ये देखें किनारे पर लगा दिया उन्होंने और लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इसी तरह वो रात दिन लगे हुए हैं लोगों को ज़्यादा बचाने के। ये देखें देहाती लोग के बहुत परेशान खड़े हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ गया है और साथ में जो बंद बंद आ गया था वो भी टूट रहा है साथ साथ। हज़ारों के लोगों एकड़ रकबा था वो सारा तबाह हो गया, जितनी ख़ास तौर पर चावल की फसल थी वो सारी तबाह हो चुकी है। ये लोगों की अब ज़िंदगी बचा रहे हैं कि लोग बच जाएँ, इनका माल मवेशी बच जाए। ये देखें फ़िज़ाइयाँ उठा के ये लेके आ रहे हैं क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। और ये बस यही रास्ता एक है, ये देखें आप लोग देख भी रहे हैं साथ साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आज हमने आपको त्रै सतलुज के मनाजर दिखाया जो कि बहुत ज़्यादा अफसोस ज़्यादा है और लोग देख रहे हैं। देखें काफ़ी लोग की तादाद आई है देखने के लिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।